Hi, welcome to my channel. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. तो वह स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे कि हम इस नंबर को यदि हम डिवाइड करें तब जाकर के यह बनेगा परफेक्ट स्क्वायर. और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर. तो जो रिजल्टिंग नंबर बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. तो यहां पर आपको ये जब पता करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या होगी जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो पहले पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उसके फैक्टर्स में किसका पेयर नहीं बन रहा. जिसका पेयर नहीं बनेगा उसी नंबर से डिवाइड करेंगे और दैट नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, तो वी हैव लिख लेंगे, वी हैव यहां पर फैक्टराइज कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 3645. यहाँ पर 5 है एंड में तो हम 5 से डिवाइड करेंगे. पहले 5 7 जा 35, 14 हो गया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45. अब ये जो 729 है और 729 जो है 3 से कंसिडर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से. 3 2 जा 6, 1 हो गया 12, 3 4 जा 12, 33 जा 9. फिर से जाएगा यहाँ पे 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 37 जा 21, 39 जा 27, फिर यहाँ जाएगा 33 जा 9 एंड 31 जा 3. ग्रेट, तो हमने फैक्टराइज कर लिया है. सिंस लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3645 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा इक्वल टू हो जाएगा, पहले स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. देखिए यहाँ पर यही फैक्टराइजेशन आएगा इसका और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है और इस नंबर का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन पा रहा. तो 5 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि हम यदि डिवाइड कर देंगे इसमें और इसमें तो 5 हट जाएगा. जो 5 हटेगा, 5 जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो बचे हुए नंबर्स हैं वो पेयर में आ जाएंगे. जब पेयर में आ जाएंगे तो इसका मतलब कि जो जो नंबर ये बनेगा डिवाइड करने के बाद 5 से, वह नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. तो पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है ना, तो क्लियरली यहां पे पहला आंसर लिख लेंगे आप, क्लियरली 3645 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर. अब करेंगे क्या, अब हमें डिवाइड कर देना चाहिए, तो हम डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाएगा हमें 100, मिल जाएगा हमें 3645. इधर जब डिवाइड करेंगे 5 से और इधर भी डिवाइड कर लीजिए तो मिलेगा आपको 3 इंटू 3 इंटू 5 और डिवाइड कर लीजिए इसको 5 से. ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से और ये भी कैंसिल आउट होगा इधर, तो क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 5 7 जा 35, मतलब ये मिलेगा आपको 729 और ये इक्वल टू हो जाएगा इस पूरे नंबर के, मतलब क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3. अब ये देखिए सारे नंबर जो है यहाँ पे जितने फैक्टर्स हैं इसके वो पेयर में हैं, यहाँ पेयर बना, ये बना. हम तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 729 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. और हमें आल्सो क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर. तो ये जो रिजल्टिंग नंबर बना हमें डिवाइड करने के बाद इसका हमें बताना है परफेक्ट स्क्वायर रूट भी. तो सो अंडर रूट ऑफ 729 इसको टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन मीन्स 3 इंटू 3. अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है, ये पेयर बना तो निकल जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27 मीन्स 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729 एंड दिस इज द रिजल्टिंग नंबर. ओके, तो आपका जो सेकेंड आंसर होगा वो ये होगा 27. होप कि आपको समझ में आ गया होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.
लाइक कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड थैंक यू अगेन, बाय।